हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है कि वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और कैसे वर्ड्स बनते हैं। नहीं तो हमने देखा था कम से कम 2D प्लेनर होना चाहिए जिसमें दो तरह के वर्ड बनते हैं, एक तो ट्राइंगुलर और एक स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, जो तीन से मिलके बनता है उसको हम ट्राइंगुलर बोलते हैं, जो चार हम बोल सकते हैं एटम से या चार स्फीयर से मिलके बोलते हैं उसको हम स्क्वायर प्लेनर वर्ड। बट ये जो प्लेनर वर्ड्स होते हैं, ट्रायंगुलर और स्क्वायर प्लेनर, दोनों ही की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो 2D में नहीं, 3D के अंदर होते हैं। और 3D में जो हमने वर्ड्स पढ़े वो होते तीन, एक होता है ऑक्टाहेड्रल, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है क्यूबिकल। तो इन तीनों वर्ड्स कैसे बनते, ठीक है, क्या उनका डायमेंशन होता है, क्या एटम के रेडियस और वर्ड के रेडियस के रेशियो, यानी वर्ड के रेडियस और एटम के रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब चीज हम देख चुके हैं। नहीं, अब बात हो रही है एक्चुअल जो भी क्रिस्टल लैटिस होगा तो कोई सा भी वर्ड किस लोकेशन पे वो बन रहा होगा या कितने नंबर ऑफ वर्ड एक यूनिट सेल के अंदर होंगे उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम 3D वर्ड से, क्योंकि 2D की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, 3D की इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम 3D क्रिस्टल्स पढ़ते। सबसे पहले हमने लिखा क्यूबिकल वर्ड। तो ये क्यूबिकल वर्ड बनता कैसे है? तो क्यूबिकल वर्ड बनने के लिए, ठीक है, कंडीशन क्या है कि हमारे पास सिंपल क्यूबिक, ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ इसकी लोकेशन। तो वैसे जब हमने इसके क्या एटम की रेडियस और क्यूबिकल वर्ड की रेडियस के बीच में रिलेशन जब कैलकुलेट करा था या हम इस्टेब्लिश करा था तब हमने इसकी बात करी थी लोकेशन की भी। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्यूबिकल वर्ड होता है, सिंपल क्यूबिक जो हमारा यूनिट सेल होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है जिसमें सारे एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनके सेंटर्स में जो स्पेस होती है, जो वर्ड बन रहा होता है वो कहलाता है क्यूबिकल वर्ड। नाम ही क्यूब है, मतलब आठ एटम से मिलके या आठ स्पेयर से मिलके वो क्यूब बनता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक है, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 और ये 8, आठ एटम होंगे आठों कॉर्नर्स पे। तो ये आठों एटम सिंपल क्यूबिक में हमें पता है कि टच कर रहे होते अपने नियर बाय एटम से, यानी तो इनके टच होने पे, ठीक है, चार एक प्लेन के अंदर होंगे, चार इसके ऊपर के होंगे, ठीक है, और ये सब टच कर रहे होंगे, अभी मैंने सिर्फ छोटा बताया। तो इधर जो सेंटर में जो बॉडी सेंटर होता है, ये जो बॉडी सेंटर होता है, ठीक है, जैसे BCC हम समझ सकते हैं, BCC स्ट्रक्चर, और BCC स्ट्रक्चर में जो बॉडी सेंटर पोजीशन होती है वहां पे भी एक एटम होता है, लेकिन उसके आने से ये एटम्स जो कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच कर रहे होते वो फिर टच करने नहीं लगते, दूर हो जाते। बट सिंपल क्यूबिक के अंदर ये एटम्स जो है अपने नेबरिंग एटम्स को टच कर रहे होते, चार एटम्स रखे हुए उस प्लेन में, उसके ऊपर चार एटम मैंने और रखे और उनके बीच में जो स्पेस बच रही है वो कहाँ बनती रहती है, स्पेस बॉडी सेंटर पे, और उसे ही हमने क्या बोला है, क्यूबिकल वर्ड बोला है। तो यहां पर ये क्या है हमारा, क्यूबिकल वर्ड है। कब? जब ये सिंपल क्यूबिक लैटिस हो, यूनिट सेल हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो। तो अगर मैं बोलूं क्यूबिक वर्ड की लोकेशन की बात करूं तो क्यूबिक वर्ड प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसकी लोकेशन तो हमें पता लग गई। अब ये भी हमें चेक कर लेना है कि ये क्यूबिकल जो वर्ड है, ठीक है, अब अगर हमें दे रखा हो, ठीक है, वैसे तो यहाँ दिख ही रहा है कि एक यूनिट सेल के अंदर एक ही क्यूबिकल वर्ड मिलेगा और कहाँ प्रेजेंट होगा, वो बॉडी सेंटर पे। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर पर क्यूबिकल, ठीक है, यहाँ लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना, क्यूबिकल वर्ड है ना, क्यूबिकल वर्ड प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ, या सेंटर की जगह ज़्यादा बेटर है, आप लिखो बॉडी सेंटर। ठीक है, क्यूबिकल वर्ड प्रेजेंट एट, ठीक है, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर मुझे पता हो
इन जनरल वैसे तो इसमें दिख ही रहा है कि कॉर्नर्स पे सारे एटम मिलके क्या बनाएंगे, एक टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। तो यहाँ पे जो जेड होगा जो कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल वो कितने होंगे, एट कॉर्नर से हर एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1। और यही नेक्स्ट चीज अगर मैं बोलूं, नंबर ऑफ क्यूबिकल वर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ क्यूबिकल वर्ड कितने हैं, तो वो कहा बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होकर वो भी कितने, 1। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते उतने ही क्यूबिकल वर्ड होते, क्योंकि एक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, 1। एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली मिला के कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1। या रैंक ऑफ एटम जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है, 1। और उसमें क्यूबिकल वर्ड भी कितना है, 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्यूबिकल वर्ड इज इक्वल्स टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली हमें ये समझ में भी आ रहा है और एक कंक्लूजन की वे में मैंने इसको लिख भी दिया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना कि सिंपल क्यूबिक के अंदर ही हमें क्यूबिकल वर्ड मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, जहाँ उसका बॉडी सेंटर होगा, और एक सिंपल यूनिट सेल के अंदर एक ही क्यूबिकल वर्ड होता है। और ऐसे कह सकता हूँ कि जितने नंबर ऑफ उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते उतने ही उसमें क्या होते हैं, क्यूबिकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला है हमारा क्यूबिकल वर्ड। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको आप कॉपी कर ले। इसके बाद देखें नेक्स्ट सेकंड हम बात करते हैं अब ठीक है क्यूबिकल वर्ड के बाद हम बात करते हैं चलो टेट्राहेड्रल वर्ड ले लेते पहले। हाँ, एक चीज और रह गई इसमें, ठीक है इसी की कंटिन्यू में लिख लेना, मैं लिख देता हूं। जिस तरीके से किसी भी यूनिट सेल के अंदर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है जैसे किसी भी यूनिट सेल में हम बोलते हैं उस यूनिट सेल के कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जो नियरेस्ट नेबर होता है उसका, या नियरेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो प्रेजेंट एटम होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। तो हमें पता है सिंपल क्यूबिक के अंदर इस एटम के नियर बाय में एक यहां इधर बगल वाले यूनिट सेल के अंदर एक होगा, एक ये और इधर आगे वाले यूनिट सेल में एक होगा, इधर इसी तरीके से एक यहाँ और एक ऊपर होगा, तो टोटल क्या होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सिंपल क्यूबिक का अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही सॉलिड स्टेट में क्या है, नियरेस्ट नेबर या नेबरिंग एटम्स या कितने उसको सराउंड कर रहे हैं, सिंपल सी बात। इसी तरीके से जो हमारा वर्ड है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो हमारा वर्ड होता है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहां पर जो क्यूबिकल वर्ड है इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जाता है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इस क्यूबिकल वर्ड को कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है नाम से पता लग रहा है कि 8 एटम से मिलकर बना, तो वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तो बहुत ईजी होता है, जैसा उसका नाम है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। क्यूबिकल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्योंकि 8 एटम से मिलकर बना है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड का, ठीक है ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, क्योंकि वो 6 एटम से मिलकर बनता है। ऑक्टा का मतलब 8 पर मत जाना, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन से देखना, जैसे वहाँ क्या क्या बनता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल बनता है, ठीक है उस तरीके से। तो उसमें कितने 6 सराउंडिंग एटम होते थे, सेम उस तरीके से इसको दिमाग में रखना, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, ठीक है उसको प्रूव भी करेंगे, जैसे इसमें आसानी से इसमें तो दिख ही रहा है। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल वर्ड, नाम ही टेट्रा है तो कितने एटम से मिलकर बना होगा, 4, मतलब वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक चीज और लिख लेना इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिकल वर्ड इज 8। ठीक है, क्यूबिकल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8, क्योंकि वो 8 एटम से सराउंडेड है, नियर बाय उसके 8 एटम से मिलके बना, सीधी सी बात।
ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब बात करते हम टेट्राहेड्रल की। तो सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है टेट्राहेड्रल वर्ड। तो क्यूबिकल जो वर्ड है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर मिलता है, टेट्राहेड्रल वर्ड सिंपल क्यूबिक के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। मैं अब बात कर रहा हूं किसकी, एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर सीसीपी भी हम बोलते हैं। तो एफसीसी ले लो या सीसीपी ले लो, तो इसके अकॉर्डिंग इसको मैं एफसीसी या सीसीपी बना देता हूं। अब इसमें क्या होगा, एफसीसी और सीसीपी के अंदर हमें पता है कॉर्नर्स प्लस क्या होते हैं, फेस सेंटर क्या होते हैं, कवर होते हैं इसमें। तो मैं वही करता हूं, कॉर्नर्स तो मैंने कवर कर ही दिए, अब फेस सेंटर में क्या कर लेता हूं, इसको कवर कर लेता हूं। तो यहां से है ना, फेस सेंटर के लिए ये टॉप वाली फेस पे, ये बॉटम वाली फेस पे, ठीक है, थोड़ा छोटा बना रहा हूं ताकि दिखे सारे, है ना, ये लेफ्ट राइट फेस पे हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये बैक वाली फेस पे और ये फ्रंट वाली फेस पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा छोटे छोटे बड़े बने अलग अलग साइज के, तो मैं अपने हिसाब से थोड़े मैनेज कर लेते हैं। ये मैंने बना दिया क्या, एफसीसी या जिसको हम सीसीपी भी बोल सकते हैं अब, ठीक है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब सीसीपी और एफसीसी के अंदर हमें पता है, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक बॉडी डायगनल ड्रॉ करूँ, है ना, एक क्या करूँ मैं बॉडी डायगनल ड्रॉ करूँ, तो बॉडी डायगनल इस कॉर्नर, ये पीछे वाले कॉर्नर को मैंने आगे वाले कॉर्नर से जोड़ा है, ठीक है, ये मैंने माना क्या है, बॉडी सेंटर है ये। अब एफसीसी के अंदर एक बॉडी डायगनल पे एक कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर अलोंग बॉडी डायगनल, ठीक है, बॉडी डायगनल के अलोंग ही देखना है। तो बॉडी डायगनल के अलोंग आप बॉडी सेंटर और कॉर्नर को ज्वाइन करोगे तो इन दोनों के सेंटर में, ठीक है, कहां पर बोल रहा हूं फिर से सुनना, एक बॉडी डायगनल के अलोंग बॉडी सेंटर और एक कॉर्नर के बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। तो ये यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये भी कॉर्नर है और ये भी बॉडी सेंटर है, तो यहां पर भी इसके सेंटर में भी क्या होना चाहिए, एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होना चाहिए, बिल्कुल होता है। दैट मींस एक बॉडी डायगनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है, एक बॉडी डायगनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते, यानी तो अगर एक बॉडी डायगनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते तो टोटल, ठीक है, टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें पता है एक क्यूबिक, एक क्यूब के अंदर या क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर चार बॉडी डायगनल होते हैं, यानी, ठीक है, चार बॉडी डायगनल होते हैं, तो अगर एक पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड है तो चार पे कितने हो जाएंगे, आठ टेट्राहेड्रल वॉइड, क्लियर है ये। अब ये तो बात हो गई कि कहां इसकी लोकेशन है, लोकेशन की तो हमने बात कर ली, तो लोकेशन टेट्राहेड्रल वॉइड की कहां होती है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर के दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, दोनों का जो सेंटर होता है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच सेंटर या कॉर्नर या बॉडी सेंटर के मिड पॉइंट पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। अब यहां से मैं बात करता हूं कि टेट्राहेड्रल किस तरीके से बन रहा है, क्यूबिकल तो समझ में आ रहा था, चार ऊपर चार नीचे मिलके क्यूबिकल। अब ध्यान से सुनना, जैसे इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले टेट्राहेड्रल वॉइड की मैं, ठीक है, तो पहले चलो मैं इसकी लिख देता हूं, लोकेशन लिख देता हूं, टीवी लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, यही लिख देता हूं मैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ
बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर अलोंग बॉडी डायगनल। ठीक है, तो ईच बॉडी डायगनल ईच बॉडी डायगनल कंसिस्ट टू टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ टीवी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 4 बॉडी डायगनल इंटू ईच बॉडी डायगनल पे 2, तो टोटल 8 हमारे पास क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। चलो इसी को मैं बात कर लेता हूं कंटिन्यू। टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी या सीसीपी वो कितने होते हैं, 8 कॉर्नर, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, 1+3 विच इज इक्वल्स टू 4। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, एफसीसी के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम तो 4 प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड उसके कितने, ट्वाइस है, डबल है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ टीवी इन एफसीसी और सीसीपी ट्वाइस ऑफ जेड लिख रहा हूं मैं, जो इसका रैंक होता है या इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे हमने क्यूबिकल के लिए बात करी थी, वहां पे जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं सिंपल क्यूब में उतने ही वॉइड होते हैं, यहां जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसके ट्वाइस क्या होंगे या उसके डबल क्या होंगे, हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो लिखने पे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, अभी जैसे मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन जो नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 से मिलके बना है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 4 ही होगा। कैसे होगा वो समझ लेते, वही मैं बता रहा था। देखिए ये जो वॉइड है टीवी है, ठीक है, ये क्या टेट्राहेड्रल वॉइड है, अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है ये, ठीक है, वही देख रहे हम। तो देखना ये जो टीवी है इस कॉर्नर पे लगे हुए एटम, ठीक है, इस कॉर्नर कोई सा भी जिस भी बॉडी सेंटर कॉर्नर को ले रहा हूं उस एटम को ले लेना, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इससे किस कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर, इस पे, तो इसको मैं लेता। तो ये कॉर्नर पे लगे हुए एटम, अब ये जो कॉर्नर है देख ले, ये कॉर्नर कितने फेसेस से टच होगा, 3 फेसेस से, एक तो ये टॉप वाली फेस के साथ टच है कॉर्नर, एक ये बैक वाली फेस के साथ टच है कॉर्नर, ठीक है, बैक वाली फेस, और एक ये लेफ्ट वाली फेस के साथ टच है ये कॉर्नर, 3 फेसेस से टच है। इन तीनों फेसेस के देखना फेस सेंटर पे एक ये एटम प्रेजेंट है, ठीक है, एक ये खुद एटम हो गया, ठीक है, एक ये लेफ्ट वाली फेस पे एटम प्रेजेंट है और एक ये बैक वाली फेस पे ये एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 एटम्स मिलके ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाते हैं, यानी ठीक है ये 4 एटम्स मिलके टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाते हैं। इसमें एक कॉर्नर प्लस 3 फेस सेंटर, एक कॉर्नर प्लस 3 फेस सेंटर मिलके ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं। अब हो क्या रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, अगर ये कैसे लिया मैंने, इसके भी मैं क्या करूं 8 पार्ट कर दूं, मतलब इस तरीके से जैसे मैंने बनाते ऐसे ऐसे और इस तरीके से, इसमें भी क्या करूं 8 यूनिट सेल बना दूं, 8 छोटे पार्ट कर दूं, एक यूनिट सेल का, तो आपको ये कॉर्नर्स पे नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे देखना, ये वाला जो एटम है ना, देखना ये कॉर्नर, ये मतलब ये पूरा एक बड़ा यूनिट सेल है, उसके मैंने 8 पार्ट कर दिए, तो ये वाला एटम आपको कहां नजर आएगा, ये वाला एटम आपको नजर आएगा इधर, ये पीछे, ये कॉर्नर वाला, ये इसकी टॉप फेस है, ये इसका क्या फेस सेंटर है, ये दूसरा एटम यहां नजर आएगा मुझे, ये लेफ्ट वाली फेस का फेस सेंटर है, तो ये वाला एटम मुझे
यहां नजर आएगा, और ये बैक वाली फेस का फेस सेंटर है, तो बैक वाली फेस ये और ये इसका फेस सेंटर, एक बार चेक कर लेना बैक वाली फेस, ठीक है, है ना। अब जो हमारे पास जो वर्ड है वो वर्ड का होगा, इसको मैं जब ज्वाइन करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि फ्री हैंड से बना है इसलिए थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, मतलब ये पीछे वाला और यहां पे ये आगे वाला, इसको ज्वाइन करूंगा तो ये बॉडी सेंटर और इसके कॉर्नर के सेंटर, मतलब यहां पे मुझे कहीं पे मुझे ये टीवी मिलेगा, सही है। अब ये जो टीवी मिल रहा है, अब इस एक तरीके से हुआ क्या है, ये ध्यान से देखना, जो ऊपर वाला क्यूब है उसके पीछे वाले क्यूब में देखना, ऊपर वाले क्यूब के पीछे वाले क्यूब में, ये ये ये, ठीक है, ये ऊपर वाले क्यूब के जो पीछे वाला क्यूब है उसके क्या हो गए, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स में बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स मतलब यहां से ये कॉर्नर छूट गया, फिर ये कॉर्नर, फिर ये कॉर्नर छूट गया, ये कॉर्नर, फिर ये कॉर्नर छूट गया, ये कॉर्नर, या फिर मैं कहीं से भी काउंट कर लो, फिर अगर ये कॉर्नर छूट गया तो ये कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर छूट गया तो यहां या यहां, कैसे भी ऑल्टरनेट कॉर्नर्स के ज्वाइन होने से मिलता है। और जब इन सबको, क्योंकि अब क्या बना लिया इन्होंने, एक छोटा क्यूब बना लिया, और उस क्यूब का सेंटर जो है, ठीक है, उस क्यूब का जो सेंटर है वो टेट्राहेड्रल बॉडी है। अब बनाया मैंने छोटे छोटे, लेकिन एक्चुअल में ये बड़े बड़े होंगे और एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। ये इसमें से तीन एक प्लेन के अंदर होते हैं और एक प्लेन के ऊपर आएगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो तीन है, एक दो तीन, और ये फेस सेंटर वाले एक प्लेन के अंदर है और उस प्लेन के ऊपर, ठीक है, उस प्लेन के ऊपर कौन होगा, ये कॉर्नर वाला एटम होगा, तो उससे टेट्राहेड्रल बॉडी बनता है, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है इतना समझाने की, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा, ठीक है, 3D विजुअलाइजेशन है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। और क्योंकि ऐसा लगता है कि टेट्राहेड्रल कैसे बना रहा है, तो ये टेट्राहेड्रल एक्चुअल में क्या है, एक नया क्यूब सा बन जाता है, उस नए क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स बन जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें जो एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है, वन टीवी इज फॉर्म्ड बाय, वन टीवी इज फॉर्म्ड बाय वन कॉर्नर एटम एंड थ्री फेस सेंटर एटम, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि एक टीवी किससे मिलके बन रहा होता है, तो एक कॉर्नर और 30 फेस सेंटर से मिलके बन रहा होता है, ठीक है। ऐसे में बात करूं तो नीचे वाला इस कॉर्नर से और ये राइट वाली इसकी फेस से टच है, अब की बार ये बॉटम वाली और ये फ्रंट वाली, बैक वाली नहीं आएगी क्योंकि इस कॉर्नर से पीछे वाली फेस नहीं अटैच, कौन सी, फ्रंट वाली, तो इससे मिलके बनेगी इस तरीके से, ठीक है। तो एक दो, एक बॉडी डायगनल की बात करी, ऐसे ही दूसरे बॉडी डायगनल पे दो होंगे, तीसरे बॉडी डायगनल पे दो, चौथे बॉडी डायगनल पे दो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हमारे पास यहाँ पर क्या होते, 8 हमारे पास टेट्राहेड्रल बॉडी या टीवी होते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी करें आप, ठीक है, चाहो तो वैसे तो आगे जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। अगर डिस्टेंस की अगर बात करें, ठीक है, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हमें पता है, बॉडी डायगनल का डिस्टेंस कितना होता है, √3a होता है, a एज लेंथ होती है क्यूब की, ये डिस्टेंस कितना आएगा कॉर्नर और मिड पॉइंट का, उसका हाफ √3a/2, और उसका भी हाफ कर लो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा √3a/4, ठीक है। तो ये √3a/4 कॉर्नर और एक इसके अंदर वर्ड के बीच में डिस्टेंस पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते, ठीक है। तो ये है हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है। तो कॉपी कर लिया होगा वीडियो पॉज करके आपने। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। थर्ड है ऑक्टा
हेड्रल वॉइड, जिसको हम शॉर्ट में ओवी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होता है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो लोकेशन होती है, तो इसको मैं ठीक है रब करके ओवी की अब हम बात करते हैं। ठीक है, ये भी बात कर रहे हैं हम किसके अंदर, एफसीसी के अंदर ही, सीसीपी के अंदर बात कर रहे हैं किसकी, ओवी की भी। ओवी कहां प्रेजेंट होता है, ओवी प्रेजेंट होता है जो भी हमारा एज सेंटर है, जो भी हमारा कहां एज सेंटर है वहां प्रेजेंट होता है। एज सेंटर कहां है, ये एज है इसका सेंटर यहां, तो यहां पे एक ओवी प्रेजेंट होगा, यहां पे भी एक ओवी प्रेजेंट होगा, यहां पे भी एक ओवी प्रेजेंट होगा, यहां पे भी एक ओवी। तो हर एक एज सेंटर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऑक्टाहेड्रल क्या आ जाएगा, वॉइड आ जाएगा। ठीक है, तो कोई एज छूट जाए तो बना लेना है। ठीक है, तो 12 एजेस होती है, हमें ये पता ही है। ठीक है, 12 एजेस होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज सेंटर पे आ गया। तो हर एक एज सेंटर पे हमारा क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। और एक पोजीशन और होती है इसकी, बॉडी सेंटर पे। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ओवी। सारे एज सेंटर पे ओवी बनता है एक, और बॉडी सेंटर पे भी क्या बनता है, ओवी बनता है। ठीक है, दैट मींस मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे इस जगह भी ओवी बनता है। ठीक है, और ये जितने भी सेंटर दिख रहे एज सेंटर, ठीक है, इन एज सेंटर पे भी क्या बनता है, ओवी बनता है। ठीक है, इस तरीके से तो सारे जितने भी एज सेंटर आ रहे हैं उन पे भी क्या बनेगा, ओवी बनेगा। तो लोकेशन लिख ले आप पहले इस पे, तो यहां पे टीवी की जगह क्या आ जाएगा, ओवी आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट मिड पॉइंट ऑफ बॉडी सेंटर की जगह क्या आ जाएगा, एज सेंटर आ जाएगा। ठीक है, एट ऑल एज सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ एज सेंटर, एंड एक खुद क्या आ जाएगा, बॉडी सेंटर पे एक खुद आ जाएगा, यानी यहां पे लिख ले, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर पे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में तो कोई दिक्कत नहीं है कि बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में जो मिड पॉइंट है अलोंग बॉडी ट्रायंगल वहीं पे होता है, तो वहां से इजी है। लेकिन यहाँ दो लोकेशन है, एक तो सारी एज सेंटर पे भी और एक बॉडी का खुद का सेंटर भी, यानी ठीक है। तो सारे मिड पॉइंट ऑफ बॉडी सेंटर ए सेंटर, फिर ईच बॉडी ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ टू, तो यहां से ठीक है चलो इसको मैं रब करके, तो बताए टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ओवी या ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ ओवी या ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करें वो कितने होंगे, ठीक है। तो जो एज सेंटर पे आ रहे, ठीक है, एज सेंटर पे आ रहे वो तो हो जाएंगे, क्योंकि कितने एज सेंटर होते हैं, 12, और हर एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन जो यूनिट सेल के अंदर होता है, ठीक है, वॉइड इसके अंदर कितना आ रहा है, ये तो चार यूनिट सेल शेयर कर रहे होंगे इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो इसके लेफ्ट वाला भी, ये खुद और इनके ऊपर दो, तो 1/4 इनका कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये तो हो जाएंगे 3। और जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, जो बॉडी सेंटर पे खुद प्रेजेंट है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो पूरा का पूरा कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा होगा, यूनिट सेल के अंदर। तो टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल जो ओवी है
ऑक्टाइडल वॉइड है वो कितने हो गए, 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। टोटल 4 ऑक्टाइडल वॉइड होते सीसीपी या एफसीसी की अगर हम बात करें तो। अब बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके, टोटल नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी या एफसीसी वो कितने होते, 4 होते। तो जितने नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर है, सीसीपी के अंदर या एफसीसी के अंदर है, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते वहां पे, ऑक्टाइडल वॉइड्स होते। तो यहां से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी या एफसीसी इज इक्वल्स टू जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या रैंक ऑफ एटम ठीक है। और लास्ट इसकी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ओवी ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ओवी जो है अभी मैंने बताया कितना होगा, 6, जैसा उसका नाम है मतलब 6 एटम से मिलके बनता है, तो कितने एटम उसके सराउंडिंग होंगे, 6 हो गए, तो वही उसका क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी को भी देख लो, फॉर एग्जांपल इसको मैं देखता हूं है ना, या चलो जैसे बॉडी सेंटर है तो इससे तो आसानी समझ में आता है, बॉडी सेंटर है तो देखो इधर एक हमारे पास होगा एटम, इधर एक एटम होगा, इधर एक एटम, एक इधर एटम है, एक इधर है और एक इधर होगा, 6 से मिलके बन रहा है ठीक है, 6 इसका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी ले लूँ फेस सेंटर पे, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ठीक है, फेस सेंटर पे ले लूँ, जैसे मैंने एक यूनिट सेल लिया उसको ठीक है, उसके पास में 8 यूनिट सेल हो गई, तो अगर येल्लो वाला ये एक यूनिट सेल है, तो जैसे ये तो चलो मैंने बता ही दिया, अगर ये येल्लो वाला एक यूनिट सेल है तो अच्छा ये तो कॉर्नर हो जाएगा ठीक है, बड़े वाले को मान के तो तब तो ठीक है, अगर मैंने येल्लो वाले को मान के चल रहा हूँ तो यहां पर इसका क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा, और ये इसका क्या होगा, एस सेंटर, यहां पर क्या होगा इसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, तो इधर भी एक एटम आएगा और इधर भी एक एटम होगा ठीक है। इससे जी चलो, क्योंकि दो अलग अलग लोकेशन है ना, जैसे बॉडी सेंटर वाले में तो क्या है, बॉडी सेंटर वाले में तो वैसे भी समझ में आ रहा है, जैसे यहां से भी देखोगे बॉडी सेंटर में तो पीछे वाली फेस का, ये फ्रंट वाली फेस का ठीक है, ये टॉप वाली फेस का, ये बैक वाली फेस का, ये लेफ्ट वाली, ये राइट वाली फेस की, जो सारे सेंटर से वो मिलके ये बना रहे होते। अगर मैं बात करूं किसके, एस सेंटर पे, एस सेंटर पे तो मैं क्या करूं, एस सेंटर पे है तो इसको मान लेता हूं, ये एस सेंटर पे है, ये मेरा एक क्या है, ये एज टॉप वाली फेस है, टॉप वाली फेस नहीं, ये तो फेस सेंटर हुआ ना, और ये मेरे को क्या लेना है, एज सेंटर लेना है, अच्छा तभी गड़बड़ आ रहा है, एज सेंटर लेना है, तो यहां पर ले लो कोई, फॉर एग्जाम्पल मैंने चलो यहां पर मैंने ले लिया, ये हो गया एज सेंटर ठीक है। तो बॉडी सेंटर से तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एज सेंटर में देखना, एज सेंटर में क्या होगा, एक ये एटम है, एक यहां पर एटम होगा इस क्यूब के लिए, पूरा एक बड़ा क्यूब मैंने माना तो ठीक है, ऐसे ही यहां पर नहीं है एटम ठीक है, मतलब ये दो तो कॉर्नर वाले, ये वाला कौन सा, फेस सेंटर वाला, ऐसे पीछे वाले क्यूब का फेस सेंटर वाला, ऐसे नीचे वाली पीछे वाली पीछे वाला जो फेस है उसका सेंटर, और इसके ऊपर जो होगा उसका फेस सेंटर, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 6 मिलके बनाएंगे ठीक है। तो बॉडी सेंटर में भी देख सकते हो और कॉर्नर से भी देख सकते हो, वो आपको समझ में आएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का वो होता है 6 ठीक है। तो हमने क्यूबिकल वर्ड की बात करी, वो सिंपल क्यूबिक में मिलता है, टेट्राहेड्रल वर्ड की बात करिए वो सीसीपी या एफसीसी में मिलता है, और ओवी की जो बात करी वो भी सीसीपी या एफसीसी में मिलता है। हाँ, एक ही क्यूब के अंदर, जैसे एफसीसी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी मिलता है और क्यूबिकल वर्ड भी मिलता है, और दोनों की लोकेशन अलग अलग है, नंबर अलग अलग है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड सारे एस सेंटर पे प्लस बॉडी सेंटर पे मिलता है, तो टोटल नंबर ऑफ ओवी कितने होते, 1 एफसीसी के अंदर 4, और उसमें नंबर ऑफ एटम भी होते 4, तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही वहां पर क्या होंगे, उसके अंदर ओवी होंगे। लेकिन जो टीवी होता है वो एक बॉडी डायगोनल पे 2 मिलते हैं, बॉडी सेंटर और कॉर्नर पे 1, तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटम उसमें प्रेजेंट होंगे उसके डबल आपको मिलेंगे, यानी क्लियर है।
बट अगर हम बात करें, दो ही पढ़े हमने तो से सिंपल क्यूबिक और एफसीसी, बॉडी सेंटर की आपने बात नहीं करी, और एचसीबी भी, एचसीपी ठीक है, हेक्सागोनल भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो दोनों ही हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या कि भले ही वो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो या हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला यूनिट सेल हो, एचसीपी हो या बीसीसी हो, दोनों के ही अंदर ओवी भी बनता है और टीवी भी बनता है। कहाँ बनता है वो हमारे सिलेबस में नहीं, और वो ठीक है इतना आसान भी नहीं, तो हम उसको ठीक है छेड़ेंगे भी नहीं। हाँ, सीसीपी एफसीसी हमारे सिलेबस में, तो इसमें लोकेशन भी बता दी कैसे बनता है, वही बता दिया। लेकिन हाँ, एक कंक्लूजन जो हम हर बार निकाल रहे क्या कि जो ओवी होता है, जिस भी यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि जिस भी यूनिट सेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही उसमें ओवी होंगे, और जितने नंबर ऑफ उसमें एटम होंगे उसके डबल क्या होंगे, टीवी होंगे, यानी टेट्राडल वर्ड है। तो कंक्लूजन ये है कि बीसीसी और एचसीपी के अंदर हम लोकेशन तो नहीं बता सकते कि किस जगह पर प्रेजेंट होगा, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि बीसीसी और एचसीपी के अंदर कितने ओवी और कितने टीवी होंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये कंक्लूजन है, इसको आपको ध्यान रखना है, तो नोट के फॉर्म में मैं लिखा रहा हूं। तो ये है कंक्लूजन कि बीसीसी के अंदर पता है हमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2, तो उसमें ओवी भी कितने बनेंगे, 2, और टीवी कितने बन जाएंगे उसके डबल, 4। एचसीपी के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6, तो उसके अंदर ओवी भी कितने बनेंगे, 6, लेकिन जो टीवी होंगे उसके क्या हो जाएंगे, डबल, दैट मीन्स 12। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, फिर मैं यहां पर नोट के फॉर्म में ये जो कंक्लूजन बताया वो लिखा देता हूं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके और कॉपी कर लेना, और आगे जो कंक्लूजन है वो लिखे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी जो हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ एफसीसी की बात करी है, उसी में हमने ओवी और टीवी की बात करी है। इसी तरीके से जो सिंपल क्यूब है के वो, उसके अंदर सिर्फ हमने क्यूबिकल की बात करी, ओवी और टीवी की बात नहीं करी है। तो यहां पर लिखना, नंबर ऑफ ओवी इन, अब वो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ओवी इन वो सीसीपी हो या एफसीसी हो या बीसीसी हो या एचसीपी हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओवी कितने हो जाएंगे, जेड के बराबर हो जाएंगे। अब जेड की बात यह है कि वो डिपेंड करेगा कौन सा स्ट्रक्चर है, तो चलो मैं लिख देता हूं। तो यहां पर सीसीपी और एफसीपी जिसको हम एक ही मान के चलते हैं, इस केस में ठीक है जो ओवी होंगे वो इसके जेड के बराबर होंगे, और जेड इसका कितना होता है, 4। सेकंड, बीसीसी की अगर हम बात करें तो बीसीसी के अंदर जो ओवी होंगे वो इसके जेड के बराबर होंगे, इसके जेड कितना होता है, 2। और थर्ड, अगर हम एचसीपी की अगर बात करें तो एचसीपी में ओवी कितने होंगे, वो इसके जेड के बराबर होंगे, और वो कितने होंगे, 6। ठीक है, सेकंड, नंबर ऑफ टीवी इन सेम है, सीसीपी लिख दूं, एफसीसी लिख दूं, बीसीसी लिख दूं, या फिर मैं एचसीपी लिख दूं, तो यहां पे नंबर ऑफ जो टीवी है वो क्या होंगे, 2 × z होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने लिखा, इसमें सीसीपी या एफसीसी की अगर हम बात करें तो इसमें जो टीवी होंगे वो टीवी होंगे 2 × z, दैट मीन्स 2 × 4 विच इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहां लिख रहा हूं आगे। नेक्स्ट हमने इस पे लिखा है बीसीसी, तो बीसीसी के अंदर जो ओवी होंगे, सॉरी टीवी, जो टीवी होंगे वो 2 × z, दैट मीन्स 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 4 हो जाएंगे।
और थर्ड HCP, HCP के अंदर जो TV होंगे वो 2 इंटू जेड, दैट मीन्स 2 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 12। तो ये कंक्लूजन है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी करें। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं हम वॉइड से रिलेटेड। तो फर्स्ट इसमें दे रखा क्वेश्चन, एटम ए अरेंज इन CCP, CCP में अरेंज है, इसका मतलब क्या है कि जो ए एटम है, CCP लिखा हो या FCC लिखा, मतलब वो क्रिस्टल लैटिस जिससे FCC बन रहा है। FCC कैसे बनता है, सारे कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होता है और फेस सेंटर पे प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स एटम ए सारे कॉर्नर प्लस सारे फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, एटम ए प्रेजेंट, एटम ए अरेंज इन CCP, मतलब CCP में या FCC में अरेंज है, दैट मीन्स वो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर में। या इस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन, एटम ए फॉर्म CCP या FCC क्रिस्टल लैटिस, मतलब ए क्या कर रहा है, CCP या FCC क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, दैट मींस वो सारे कॉर्नर प्लस फेस सेंटर से मिला के वो एक यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस बना रहा है यूनिट सेल का, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में दे रखे होते हैं, तो इसमें इसका मतलब ये है कि एटम ए कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे सारे। उसके बाद लिखा है एन एटम बी प्रेजेंट इन 25% ऑफ TV, तो जो CCP है उसके 25% TV के अंदर ही एटम भी प्रेजेंट है, जितने भी टोटल TV होंगे उसके 25% के अंदर है। फिर लिखा है एन एटम सी ऑक्यूपाइड हाफ ऑफ द OV, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने ऑक्टेटल वर्ड, तो जितने भी OV है उस CCP के अंदर उसके हाफ ही बी ऑक्यूपाइड कर रहा है। देन डिटरमाइन सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ AB and C इन यूनिट सेल, ठीक है। तो हमें एक तरीके से मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है AB और C का किस रेशियो के अंदर यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इंडिविजुअली आप देख ले कि कौन सा एटम की लोकेशन क्या दे रखी है, ठीक है। हो सकता है स्पेसिफिक, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस करे थे, कॉर्नर पे है एक एटम, एक फेस सेंटर पे एक ये, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना, सेम वही चीज है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन टोटल काउंट कर लो और उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। तो जो ए हमें दे रखा है, ए कहाँ दे रखा है, CCP के अंदर दे रखा है, दैट मीन्स इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 8 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 प्लस 6 फेस सेंटर, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, दैट मीन्स 3+1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ए के कितने एटम प्रेजेंट है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसमें 4 होंगे, और डायरेक्ट में लिखने की भी जरूरत, करने की जरूरत नहीं, ठीक है। एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो देखते पता लग जाना चाहिए, ए CCP मतलब CCP के अंदर कितने एटम होते हैं, या FCC के अंदर कितने होते हैं, 4, BCC में कितने, 2, HCP में कितने, 6, सिंपलेस्ट क्यूबिक में कितने, 1, ठीक है। ये अब तक तो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते। फिर जो बी है, अब हमें पता है अगर CCP या FCC है तो 4 एटम है, तो उसके ट्वाइस ही TV होंगे और उसके बराबर ही OV होंगे। तो वो बोल रहा है कि ठीक है, वर्बली पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, फिर भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 25% ऑफ TV में प्रेजेंट है ये, 25% ऑफ TV, दैट मीन्स 25/100, और TV कितने होंगे, जितने जेड है उसके डबल, दैट मीन्स 8, तो कितना हो जाएगा, 1/4, दैट मीन्स 2 ही यहां पर इफेक्टिव नंबर ऑफ बी के एटम होंगे, यानी या ऐसे बोल सकता हूं 2 ही TV के अंदर क्या होंगे, हमारे पास बी एटम प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सी की, तो सी के अंदर क्या लिखा है, हाफ ऑफ OV, ठीक है, हाफ ऑफ OV मतलब जितने OV उनके हाफ ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हाफ ऑफ OV मतलब हाफ, और OV कितने होंगे, जितने जेड है दैट मीन्स 4, और ये भी कितने, 2 ही होंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम किसके, सी के। तो अब समझ में आ रहा होगा हम जो बोल रहे थे कि किस तरीके से आपको देखना है कि TV और OV, तो आपको अगर ये पता लग जाए क्रिस्टल लैटिस कौन सा है, BCC है, CCP है, FCC है या HCP है, तो Z मुझे पता लग गया तो उसके अकॉर्डिंग उसके डबल में क्या कर दूंगा, TV कर दूंगा, उसके बराबर ही क्या हो जाएंगे, OV हो जाएंगे, और वहां से मैं जो भी मुझसे पूछा गया उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ इजिली। तो यहां से A:B:C का अगर मैं रेशियो देखूं तो यहां पर आ जाएगा 4:2:2, और ये हो जाएगा कितना, 2:1:1। तो इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा A:B:C, तो A:B:C, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो इसने वैसे पूछा था तो 2:1:1, और मॉलिकुलर फॉर्मूला भी पूछा होता तो हम इजीली क्या कर सकते थे, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो कॉपी करें इसको,
किसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखे, ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है, साइड में। अब लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेकंड वाले को। ठीक है, इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो ए है, बस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कहाँ प्रेजेंट है। तो जो ए प्रेजेंट है वो बना रहा है FCC, एंड जो B प्रेजेंट है, ठीक है, जो B की लोकेशन है, B कहाँ प्रेजेंट है, वो लोकेशन दे रखी है इसने ऑल OV प्लस 50% TV, ऑल OV प्लस 50% TV। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए इधर ए जो है इसने क्या बोल दिया, कहाँ पर है, FCC के अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन्स FCC के अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे टोटल, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 4। तो ए तो कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, FCC लिखा है, FCC क्रिस्टल में बना है, तो 4 हो जाएंगे। बी की बात कर ले एक बार थोड़ा, तो बी की बात में लिखा है इसने ऑल TV। ठीक है, तो ऑल OV ऑक्ट्राइडल वर्ड, और OV कितने होंगे, जितने जेड होंगे तो OV तो हो जाएंगे 4, और 50% ऑफ TV, 50% ऑफ TV का मतलब क्या है, जितने TV होंगे उसके आधे, तो TV कितने होंगे इसके डबल, तो कितने हो जाएंगे 8, तो वो भी कितना आ जाएंगे 4। तो टोटल जो B होगा वो B कितना होगा, 4 प्लस 4 टोटल कितना हो जाएगा 8। तो A:B, ठीक है, A:B का रेशियो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4:8 विच बिकम्स 1:2, तो मैं लिख सकता हूँ AB2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले एक बार वीडियो पॉज करके। अब हम बात करते हैं रेडियस रेशियो, जिसको हम RR भी बोलते हैं। ठीक है, रेडियस रेशियो क्या होता है, तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज रेडियस रेशियो। सिंपल सी बात है, ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, बस कैटायन और एनायन का क्या ले लो, रेडियस का रेशियो ले लो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अभी तक हम नॉर्मल, ठीक है, एक कोई भी नॉर्मल एलिमेंट ए बी अननोन ले रहे थे, कोई भी नॉर्मल एलिमेंट ले रहे थे जो एक ही टाइप का था। अब हम बात करने वाले आयोनिक कंपाउंड्स की, जिसमें कैटायन और आयन मिलके, आपने सुना होगा, ठीक है, अब तक काफी बार कि NaCl का क्रिस्टल होता है, ठीक है, CaCl का क्रिस्टल होता है, ZnS का क्रिस्टल होता है, ठीक है, या बहुत सारे सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, तो उसमें कैटायन होता है, एनायन होता है, सॉलिड मिलके वो मिलके सॉलिड बनाते हैं। तो किस तरीके से बनाते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, वो अब आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड की हम बात करने वाले हैं। तो आयोनिक कंपाउंड में हमें पता है एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। तो जो कैटायन की साइज होती है, इन जनरल, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन इन जनरल हम बात करते हैं कि कैटायन की साइज हमेशा छोटी होती है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है वैलेंस शेल में, तो साइज छोटी होती है। और एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और EMS बोल सकता हूँ, जेड इफेक्टिव थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि शील्डिंग्स रहती है उसमें, तो वहां पर एनायन की साइज बड़ी होती है। तो इन जनरल मैं बोल सकता हूँ कि कैटायन की साइज छोटी होती है और एनायन की साइज बड़ी होती है। तो अगर मैं बोलूँ रेडियस रेशियो जो होगा ना, ऑलवेज लेस देन 1 ही आपको मिलेगा इन जनरल, कैटायन क्योंकि छोटा होता है और एनायन हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो एक क्रिस्टल के अंदर एक कैटायन और एनायन है, आयोनिक कंपाउंड है, तो कैटायन और एनायन क्या, रेडियस का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं रेडियस रेशियो। अब ये क्या काम आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो वही हम बात करने वाले। तो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, दोनों इंपॉर्टेंट बात है। एक तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर, जैसे NaCl बोल रहा हूं या CaCl, ZnS, Na2O, ठीक है, CF2, ये जितने भी क्रिस्टल है इसका स्ट्रक्चर हमें कैसा होता है वो समझने में हेल्प करता है ये, ठीक है, कैसे करता है उसके अभी बात करेंगे। दूसरा, जैसे हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक ही है, कि एक एटम को कितने सराउंडिंग एटम्स ने
ठीक है, घेर रखा है या कितने नेबरिंग एटम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी हमने बात भी करी कि वर्ड है, तो वर्ड को कितने एटम्स से मिलकर घेर रखा है, कितने एटम्स ने मिलकर वर्ड को बनाया, कैसे भी बोल सकते हैं, वो भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसी तरीके से अगर उसमें कैटायन और एनायन दो अलग अलग हमारे पास क्या मिल रहे हैं, एलिमेंट्स मिल रहे हैं या दो अलग अलग स्पीसीज मिल रहे हैं, तो कैटायन का भी अपना एक कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कि उसको कितने एनायन घेर रहे हैं, या एनायन का भी अपना एक कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसको कितने कैटाइन सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी सारी हम बात करने वाले। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यही है, तो वो भी हमें यहाँ से हेल्प देखने को मिलती है। अब होता क्या है, अगर मैं बोलूँ इन जनरल, जैसे ये एक एक दो और तीन, ये तीन मैंने मान ली क्या है, एनाइन है, इन तीन एनाइन के बीच में एक स्पेस खाली है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड। और यहां अगर मैं बोलूं तीनों प्लेनर है तो ये ट्रायंगुलर वॉइड होगा। अब मैं कह रहा हूं इस ट्रायंगुलर वॉइड में अगर ये तीन एनायन है तो क्या इसमें कोई कैटायन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कैटायन कब आ सकता है, जब उस कैटायन की साइज इस वॉइड की साइज के या तो बराबर हो या उससे छोटी हो। अगर इस वॉइड से इसकी साइज बड़ी होगी तो फिर इसके अंदर थोड़ी आ पाएगा, आ रही बात समझ में। तो रेडियस रेशियो हमें यही हेल्प करता है कि कौन सा कैटायन किन एनाइन, मतलब एनाइन्स तो क्या करते हैं इन जनरल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, जैसे बीसीसी बना देगा या एफसीसी बना देगा या सीसीपी बना देगा, एचसीपी बना देगा, और उनके जो वॉइड्स होते हैं उनके वॉइड्स में कैटाइन्स आके क्या हो जाते, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो कौन सा कैटाइन किस एनाइन में आएगा तो वो डिसाइड कैसे करेंगे हम, उसके रेडियस रेशियो से, वो कैसे करेंगे वो बात करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो कैटाइन आया, ठीक है, ये कैटायन की साइज एग्जैक्टली इनके बराबर है तब तो फिट हो जाएगा, ये उससे छोटा है तो इसके बराबर इसमें आ जाएगा। लेकिन क्योंकि एक आयोनिक कंपाउंड है तो एक प्रॉब्लम और हो रही है, क्या हो रही है कि नेगेटिव नेगेटिव कांटेक्ट में, नेगेटिव नेगेटिव कांटेक्ट में, नेगेटिव नेगेटिव कांटेक्ट में, हाँ पॉजिटिव तीन के कांटेक्ट में ये तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव वाले भी क्या कांटेक्ट में, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करें एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसकी आयोनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी हो जाएगी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर यही थोड़ा मैं बड़ा कैटायन ले लेता तो थोड़ा बड़ा कैटायन लेता तो इस तरीके का मुझे कुछ नज़र आता कि जो एनाइन है वो, अब ये जो एनाइन है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन कैटायन को क्या कर रहे हैं, वो टच कर रहे हैं यानी। तो इससे एक तो फ़ायदा ये हो गया कि एनाइन एनाइन का कांटेक्ट कम हुआ या दूर हुआ, डिफरेंस बढ़ा है, और कैटायन और एनाइन का है तो अपोजिट तो अट्रैक्ट ईच अदर और सेम क्या करेंगे, रिपेल। तो एनाइन एनाइन का रिपल्शन कम होगा और कैटाइन एनाइन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये थोड़ा हम मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा स्टेबल होगा। बट ये नॉन आइडियल कंडीशन है कि इसमें जो जितना वॉइड था उसमें आया नहीं, उस वॉइड के अंदर बड़ा डाला तो वो दूर दूर हो गया नहीं, ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है कि जितना वॉइड था तो उतना आया उससे छोटा आया नहीं, लेकिन जितना आया उससे छोटा है तो स्टेबिलिटी कम हो रही है नहीं, और बड़ा आने से थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो आयनों की स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। तो ऐसे कितना बड़ा मैं कैटाइन डाल सकता हूँ तो वो कहाँ से पता लगता है, वो भी रेडियस रेशियो से पता लगता है। अभी बार बार रेडियस रेशियो से पता लगता है, कैसे पता लगता है ना, तो वही बात मैं करने वाला हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मान लो ये ट्रायगोनल है, ट्रायगोनल वॉइड की, ठीक है, अब हमने बात करी थी वॉइड की रेडियस और एटम या किसी भी जो भी हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस का रेशियो हमने स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हमने लास्ट दो तीन लेक्चर पहले हमने देखा था, ठीक है, पूरा एक लेक्चर था उसमें ट्रायंगुलर वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, क्यूबिकल वॉइड, सबकी हमने रेडियस रेशियो कैलकुलेट करा था आर अपॉन आर, तब भी बोल रहा था मैं रेडियस रेशियो कुछ होता है वो यही है। तो अगर ये आर अपॉन आर का रेशियो, ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इनकी जो रेडियस रेशियो है ये 0.155 किसके लिए था, ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड के लिए था ये। अगर 0.155 से अगर, ठीक है, 0.155 से अगर ये बड़ा है तो इसको क्या करेगा, ये थोड़ा सा दूर दूर करने लगेगा, ठीक है, कब तक करता रहेगा, जब तक कि इसको दूसरा टाइप का वॉइड ना मिले, ठीक है, दूसरा टाइप का वॉइड, जैसे हमने बोला था स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों क्या होते हैं, दोनों का रेडियस सेम ही होता है, कितना 0.225, ठीक है, ये सारे जो डेटा है, ठीक है, आपको भी लर्न हो जाएंगे यूज होने में, बाकी लर्न होने चाहिए, बाकी कैसा है तो मैंने बता दिया था। तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन, सॉरी ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए कितना होता है, सेम रेडियस रेशियो होता है 0.225। तो 0.155 से लेके या उसके बराबर, उससे जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये इसके अंदर ट्राइगोनल में रहेगा, ये थोड़ा इस तरीके से डिस्टॉर्टेड टाइप हो जाएगा, लेकिन कब तक रहेगा, जब तक कि इसकी साइज, कैटायन की साइज या इनका रेडियस जो रेशियो है वो 0.225 से कम है। जैसे 0.225 आएगा तो अब ये ट्रायंगुलर प्लेनर में नहीं जाएगा,
किस में जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में जाएगा। स्क्वायर प्लेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो 2D ये भी कोई काम नहीं, लेकिन बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 3D में स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में जाएगा 0.225 जैसे उसकी रेडियस होगी। अब 0.225 से कहाँ तक चलेगा? जब तक कि उसकी रेडियस रेशियो 0.414 ना हो जाए, जो कि किसकी होती है? टेट्राहेड्रल की। फिर टेट्राहेड्रल से 0.414 तक बड़ी होती जाएगी, कब तक चलेगा? 0.732, जो किसकी होती है? क्यूबिकल वर्ड की। और वो कब तक? 1 तक के बराबर की। कैटायन और एनायन की साइज क्या हो जाए? बराबर नहीं हो जाए। तो ये रेडियस रेशियो में बताता है कि एक कैटायन और एक एनायन लिया, वो कौन सा वर्ड बनाएगा, और वर्ड बनाएगा तो उसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये हमें रेडियस रेशियो हेल्प करता है आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि हमें उससे ये पता लगता है कि कौन सा वर्ड में जाएगा, कौन से वर्ड में जाएगा, दैट मींस वो वर्ड बनाने के लिए, ठीक है, इन जनरल मैंने बोल रहा हूँ कि एनाइन ही क्रिस्टल लैटिस बनाता है, तो वो एनाइन किस फॉर्म में अरेंज होगा वो यहां से हमें पता लगता है। तो जो अभी मैंने समझाया उसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर मैंने बोला यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर बोल रहा हूं ये रेडियस रेशियो है, जिसको आर आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, रेडियस रेशियो के अंदर मैं कह रहा हूं कि ये रेडियस रेशियो जो डायमेंशन दे रहा हूं वो कौन सा टाइप ऑफ वर्ड बनाएगा, विच टाइप ऑफ वर्ड, तो ये हो जाएगा टाइप ऑफ वर्ड, और उस वर्ड का शॉर्ट में लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और साथ में उसका एग्जाम्पल कौन कौन से क्रिस्टल लैटिस या आयोनिक क्रिस्टल ये बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जैसा कि मैंने बोला 0.1 ये रेडियस रेशियो जो है 0.155 के बराबर हो, 0.155 के बराबर हो, जो कि किसके लिए होता है? रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर वर्ड अपॉन रेडियस ऑफ एटम, उसकी वैल्यू 0.155 होती है, उतना ही उससे बड़ा होगा या फिर लेस देन 0.225, ठीक है, 0.225 आते वो कैसा बन जाएगा? टेट्राहेड्रल वर्ड बन जाएगा, तो फिर ट्रायंगुलर में थोड़ी जाएगा, फिर टेट्राहेड्रल में चला जाएगा, तो ये टेट्राहेड्रल से जस्ट पहले और उससे बड़ा के बीच में आएगा, तब तक वो कौन सा वर्ड बनाएगा? ये ट्रायंगुलर वर्ड बनाएगा ये, और ट्रायंगुलर वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से मिलके बनता है? 3 से, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3। एग्जाम्पल एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि ये कैसा है? प्लेनर है, जो इंपॉर्टेंट होता नहीं, कोई इतना यूज नहीं होता, लेकिन हार्ड डेटा के फॉर्म में हमने इसको लिखते चल रहे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, 0.225 जैसे ही होगा, ठीक है, 0.225 जैसे होगा वो क्या कौन सा बन जाएगा? टेट्राहेड्रल वर्ड बन जाएगा, ठीक है, चाहो तो पुराने लेक्चर्स में, ठीक है, नोट्स पलट के देख सकते हो, एग्जैक्टली डेटा यही है। तो 0.225 रेडियस रेशियो किसमें? टेट्राहेड्रल वर्ड में आएगा, और कब तक चलेगा? जब तक कि इसकी साइज 0.414 तक नहीं पहुंचती, लेस देन 0.414 तक तो कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल वर्ड रहेगा। और टेट्राहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से मिलके बनता है, तो 4 हो जाता है, ठीक है, और इसके इसके जो एग्जाम्पल है टेट्राहेड्रल वाले, वही हमें क्या करने हैं? पढ़ने, यानी, ठीक है, तो ये कौन कौन से है हमारे पास? जिंक सल्फाइड ZnS, कैल्शियम फ्लोराइड CF2, ठीक है, Na2OO। फिर नेक्स्ट 0.414 जैसे ही होगा, वैसे ही ये कौन सा, सॉरी मैंने ठीक है, हाँ सही है ना, टेट्राहेड्रल वर्ड ही होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर 0.414 से जैसे ही बड़ा होगा, यानी सॉरी 0.414 के बराबर जैसे ही होगा, वो टेट्रा से किस में आ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड, जो हमने स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल के लिए दोनों के लिए वैल्यू क्या आती है? सेम, क्योंकि 3D में ऑक्टाहेड्रल एग्जिस्ट करता है, तो हम ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहे हैं। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि ये क्यूबिकल वर्ड के रेडियस रेशियो के बराबर ना हो जाए, उससे पहले तक वो रहेगा। तो ये बनेगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6, ठीक है, और इस केस में ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, ये बनाता है हमारा कौन? NaCl,
सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले, ये सारे स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले तीन, ये एक ही और एक और में जो लिखने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट लास्ट अगर 0.732 के बराबर जैसे ही हुआ ये रेडियस रेशियो, बट लेस देन वन होना चाहिए, ठीक है, वन के बराबर मतलब तो हो जाएगा दोनों क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे, तब कैसा बनेगा ये क्यूबिकल बनेगा। और क्यूबिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हम ऑलरेडी बात कर चुके 8, और ये सीजियम क्लोराइड CsCl होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रेडियस रेशियो है ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि कौन सा कैटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन बनेगा, और उससे हमारा वो स्पेसिफिक क्या बनेगा, लैटिस बनेगा, क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो कैटायन का प्रेजेंट होगा, एनायन का प्रेजेंट होगा, कौन सा उससे लैटिस बनेगा, ये सारी चीज़ें इनसे हेल्प मिली है। तो ये डेटास आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। कैसा है डेटा, ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके, तो वहाँ पे जो वॉइड की बात कर रहे थे वही, अब वो वॉइड पे कौन जाएगा, वॉइड पे क्यों बार बार हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब वो वॉइड में कैटायन जाएगा, ठीक है, जनरली मैक्सिमम टाइम कैटायन ही आता, एनायन भी कहीं पे भी जाता, कई कई केस में जाता, कहाँ जाएगा वो भी हम बात करेंगे। तो इन जनरल कैटायन वॉइड में जाता है और एनायन क्रिस्टल लैटिस बनाता है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन करा था कि ए बना रहा CCP, बी जा रहा TV में और सी जा रहा OV में, ठीक है, जो भी था, दैट मीन्स ए एक तरीके से क्या हो गया, एनायन हो गया, बी कोई अलग कैटायन हो गया, सी कोई अलग कैटायन हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटली इनको स्टडी किया गया और इनका रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया गया हर एक क्रिस्टल लैटिस के लिए, और उससे हमें पता लगा कि हाँ ये वाले वॉइड के अंदर ये वाला कैटायन गया है और ये इस एनायन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ बनेगा, और उससे हमें पता लगा कि क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उन सभी स्ट्रक्चर को, ये पांच स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी दे रखे हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ZNS, ठीक है, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, एंटी फ्लोराइड Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड को एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड और CsCl, ये पांचों इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा कुछ स्पेशल भी होते हैं, ठीक है, वो कंपटीशन में अगर आप ध्यान देना चाहते हो या एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये पांच स्ट्रक्चर तो आपको पता होने ही चाहिए, इनके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन कि कैटायन कहाँ प्रेजेंट होता है, एनायन कहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें कितने कैटायन एनायन मिलकर कितने फॉर्मूला यूनिट बना रहे, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एज लेंथ जो है यूनिट सेल की उसमें कैटायन और एनायन का रेडियस किस तरीके से वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें पता होनी चाहिए। तो वो वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप कॉपी करें। थैंक यू क्लास।